अस्सलाम वालेकुम, वो या डॉक्टर अदर जो आज का हमारे एक्शन ये न्यू मूवी विदा के ऑफिशियल ट्रेलर पर है। तो फाइनली आफ्टर 4 मंथ्स विदा ऑफिशियल टीजर के बाद आफ्टर 4 मंथ्स आज ऑफिशियल ट्रेलर इन्होंने रिलीज किया है। मूवी में एक्टर्स काम कर रहे हैं जॉन इब्राहिम शरवारी, अभिषेक बनर्जी और तमन्ना भाटिया एज अ मेन एक्ट्रेस काम कर रहे हैं। तो इस मूवी में जो डायरेक्टर है वो निखिल आडवाणी है, जो इस मूवी के राइटर हैं वो है असीम अरोड़ा, और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मूवी को वो कर रहे हैं जी स्टूडियो वाले। तो टाइम इसके बाद चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 3-2-1 स्टार्ट। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धर्म की रक्षा करूंगा। धर्म की रक्षा करूंगा। रक्षक चुनी होगी मैया रानी हम सबरे वास्ते। मने नहीं जावे कोई रक्षक, अगर हो कोई ऐसा जो पैर रेतलवा ने लोहे का दबा बना दे। मेजर अभिमन्यु कन्वर 11 गोरखा राइफल्स के अफसर को ऑर्डर्स ना मानने के लिए तुरंत कोर्ट मार्शल का निर्देश देता है। एक को सिर्फ एक का साथ मिल जाए। सीधा चलने में 2 हफ्ते लगेंगे। मैं तो 2 साल तक यही हूँ, आपका ट्रांसफर हो रहा है। छलांग मारना आता है। कोर्ट मार्शल का निकाल दिया गया। मना किया था, क्यों आए हो? वादा किया था। जात पात के प्रबंध का मैं भी सम्मान करता हूँ। यही सृष्टि का विधान है, ये सारे नियम कानून उसने बनाए हैं। क्यों पैरों में शूट रहे? नीचे देख। तो फिर लॉ क्यों पढ़ते? कॉन्स्टिट्यूशन की कसम क्यों खिलाते? सीधे अरेंजमेंट क्यों नहीं समझा देते? झगड़ना नहीं आता मुझे, सिर्फ जंग लड़नी आती है। तेरे पास 2 रास्ते हैं, सुलह या जंग तथास्तु। मैं तो सिर्फ सारथी हूं, चक्रव्यूह तोड़ने वाली। हार भले हो, मैं लड़के हारना चाहती हूँ। मैं लड़के हारना चाहती हूँ। और 15 अगस्त इंडियन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत ही मतलब कि एक्शन मूवी बहुत ही है। तो मैंने इस ट्रेलर के आने का बहुत इंतजार किया, क्योंकि इन्होंने विदा का जो टीजर था वो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट दिया था। इसमें भी प्रॉपर ना समझ नहीं थी आ रही कि इसमें हमने क्या इस पर डिस्कस करें क्या नहीं। आप इन्होंने ट्रेलर में तो तकरीबन क्या रहे पूरी मूवी का इन्होंने बता दिया कि इसमें इन्होंने कैसे इसको क्या इसकी स्टोरी है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, या कैसे मतलब कि इस मूवी का मतलब कि इसका इसकी पूरी जो जियोग्राफी इसकी वो क्या है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें ना जॉन इब्राहिम की, तो आप जॉन इब्राहिम की मतलब कि सीरीज उठा लें या इनकी मूवीज उठा लें, वो सब के अंदर जो इनकी जो मेन मतलब कि कॉमन इनकी जो चीज होती है ना वो ये इनके फाइट सीन्स। क्यों ज्यादा ऐसे हैं? क्योंकि इनके फाइट सीन्स बहुत ही कमाल के होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं। कह लेंगे इनकी बॉडी की वजह से इनको पहचाना जाता है, इनकी फाइट की वजह से इनको पहचाना जाता है। इनके मोस्टली जो इनके रोल्स होते हैं या तो उन्होंने मूवी के अंदर एज अ विलन के तौर पर फाइट कर रहे होते हैं, या एज अ कॉप कह लें, या एज अ सीक्रेट कॉप कह लें, या आर्मी का चीफ कह लें, कुछ इस तरह के इनके रोल होते हैं, और जो कि इनको एज अ फाइट सीन्स के तौर पे ही मूवीज के अंदर इनको रोल
दिए जाते हैं जो इस इनकी फाइट की वजह से इनके मूवी बहुत ज्यादा मतलब के नहीं भाई कुछ ऐसे मूवीज होती हैं जिसमें फनी रोल्स भी करते हैं जैसे कि पागलपन टीवी में बहुत फनी रोल बहुत ज्यादा भी अब देखना लेकिन उसके अंदर भी इनके फाइट सीन्स लाजमी है फाइट के अंदर लाजमी इनको मतलब फाइट के तौर पर इनको दिखाया जा रहा है और जिस मूवीज की आप बात कर रहे हैं वो एक तो वो थोड़ी सी पुरानी मूवीज है अगर हम न्यू मूवीज की बात करें पिछले दो तीन सालों की बात करें तो इनकी वो मैंने फिर वो देखी होगी फिर ऐसा हो सकता है मैंने देखी ना हो तो क्योंकि मैंने इतनी भी इनकी मूवीज देखी है ना वो इनकी यही है कि इन्होंने उसके अंदर ओवरऑल देखा जाए तो इनकी मूवीज ज्यादा जो है वो फाइट वाली मूवीज ही इनकी होती है उनकी वजह से इनको इतना ज्यादा मतलब की पॉपुलरिटी और फेम इनको मिला इनकी मतलब की बॉडी की वजह से ही। अगर नेक्स्ट हम इस मूवी के थीम की बात करें और अगर हम इसकी मेन एक्ट्रेस की बात करें तो मन्ना भाटिया की वो आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत ही फेमस एक्टर हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने अपनी मूवीज के अंदर दोबारा से कम बैक किया और बहुत अच्छी मूवीज के अंदर ये काम कर रही है बहुत मतलब की इंटरेस्टिंग इनकी काम करने का तरीका इनका लाइफस्टाइल बहुत मतलब की अच्छा है। तो रही बात मूवी के थीम की तो मूवी का थीम ये है कि इन्होंने मूवी का जो थीम बनाया हुआ है वो कह लें कि एक वुमेन होती है जो कि अब जो मतलब कि एक शहर जैसे कह लें गांव कह लें वहां पे जैसे आपके अंदर के मुंशी कह लें या गांव का सरबराह कह लें उसके बच्चे आपको मनाने जाते हैं कहते हैं कोई तो एक आदमी आएगा जो आके मतलब कि हम वही इनका जवाब पत्थर से देगा ऐसा का कि वो आदमी हमारी रक्षा करेगा तो बल्कि वो इस लड़की कहती है कि वो हमारी रक्षा ना करे लेकिन हमको इस काबिल बना दे कि हम उनकी खुद से उनको मतलब उनको फेस कर सके उनके साथ फाइट कर सके। तो उसमें जो इनका रोल दिखाया गया जो इब्राहिम का इनको ना आर्मी से अंदर इनको निकाल दिया जाता है कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है किसी वजह से जो मतलब कि इनको निकाल दिया जाता है बाद में ये उस गांव में आते हैं उस लड़की को बकायदा ट्रेनिंग दे के और इसको एक काबिल फाइटर बनाते हैं जो कि लड़की अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। और मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो ये 15 अगस्त को मूवी रिलीज कर रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस इंडियन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ये मूवी रिलीज कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छा दिन रखा हुआ मतलब कि लोग इसे फ्री भी होंगे एंजॉय भी कर रहे होंगे साथ साथ ये जॉन इब्राहिम की न्यू मूवी को ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करेंगे। तो जॉन इब्राहिम ऐसा खुद पर्सनली तौर पर ये बहुत ही फाइन एक्टर हैं इनकी बहुत ज्यादा इनकी फाइन मूवीज होती हैं तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं तो मुझे तो इनकी एक्टिंग और इनकी फाइट सीन्स बहुत ही कमाल के लगते हैं। आप लोगों ने बताना है कि आप लोग जॉन इब्राहिम कैसे लगते हैं इनकी एक्टिंग कैसे लगती है इनके रोल कैसे लगते हैं और तमन्ना भाटिया के भी आपने ये सेम चीजें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।